हमने मां बेटी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, उस मजबूरी से मुक्त होने के लिए शौचालय जैसी जरूरत पर जोर दिया। और तब ये कह रहे क्या लाल किले से ऐसे विषय बोले जाते हैं क्या? क्या ये देश की प्राथमिकता होती है क्या? हमने जब जनधन खाते खोलने की बात की तब भी यही बात निराशा की। क्या होता है जनधन खाता, उनके हाथ में पैसे कहाँ है, उनका जेब में क्या पड़ा है, क्या लेके आएंगे, क्या करेंगे? हमने योग की बात की, हमने आयुर्वेद की बात की, हमने उसको बढ़ावा देने की बात की, तो उसका भी मखौल उड़ाया गया। हमने स्टार्टअप इंडिया की चर्चा की तो उन्होंने उसके लिए भी निराशा फैलाई, स्टार्टअप तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमने डिजिटल इंडिया की बात कही तो बड़े बड़े विद्वान लोगों ने क्या भाषण किए, हिंदुस्तान के लोग तो अनपढ़ है, हिंदुस्तान के मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, हिंदुस्तान के लोग कहां से डिजिटल करेंगे। आज डिजिटल इंडिया देश आगे है। हमने मेक इन इंडिया की बात कही, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया, जहां गए वहां मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया। कांग्रेस पार्टी और उनके दोस्तों का इतिहास रहा है कि उन्हें भारत पर, भारत के सामर्थ्य पर कभी भी भरोसा नहीं रहा है। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था, हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया, इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था, ये इनकी प्रवृत्ति थी।